पता है आप लोगों के हेडशॉट नहीं पड़ रहे हैं अप्रैल के बाद, एंड आप लोग भी गुस्से से लाल हो रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कैसा गेम है, हमारे वन टैप नहीं पड़ रहे, आखिर क्या गलती हो रही है या फिर कैसा गेम है, बार बार अपडेट के बाद हमारे वन टैप नहीं पड़ते हैं। तो गाइज आपको बिल्ली की तरह निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट सेंसिटिविटी आफ्टर अपडेट, यानी कि अपडेट के बाद का सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी जिनकी मदद से आप लोग वन टैप मार पाओगे बहुत ही इजिली, डायरेक्ट हेडशॉट मार पाओगे यूएमपी से, है मतलब कोई भी गन से आप लोग बहुत ही इजिली रेड नंबर मार पाओगे। जलवा है हमारा। यहाँ पर गाइस सबसे पहले करते हैं 100 सेंसिटिविटी, एंड उसके बाद गाइस खेलते हैं कि कैसे हमारे वन टैप पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं। ये गाइस हैं आफ्टर अपडेट, ठीक है मैं आपको बता दूं पहले ही, एंड आप लोग देख सकते हो गाइस कि बहुत ही कम मेरे वन टैप पड़ रहे हैं, बहुत ही रिकॉल कर रही है गोली, मतलब कभी एक पड़ रहा है रेड, कभी पड़ ही नहीं रहा है, कभी रिकॉल मार रहा है। तो गाइस आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो ये है गाइस पूरी 100 सेंसिटिविटी रखने का मतलब डिसएडवांटेज, जो कि आप सबको पता है कि अपडेट के बाद फ्री फायर मैक्स में क्या हुआ है कि जो सेंसिटिविटी है इसको अपग्रेड मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे हेडशॉट अच्छे से नहीं पड़ रहे। तो गाइस हमको क्या करना है, कौन सी सेंसिटिविटी पे खेलना है, किस हिसाब से खेलना है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इससे पहले हमारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर क्यों हमारे इस हाई सेंसिटिविटी पे वन टैप नहीं पड़ते। तो गाइस देखो एक चीज है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो गोली रिकॉल मारती है जब हम लोग ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको इस रिकॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले गाइस जो जनरल है उसको तो आपको नॉर्मली रखना है, लेकिन जो दूसरा आपका सेंसिटिविटी है वो मैं बता देता हूँ, जो रेड डॉट होता है उसको गाइस थोड़ा सा चेंज करना है, कितना करना है क्या करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग में, एंड जो अपना रेड डॉट है उसको 50 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइज आपको पता है अपडेट के बाद बहुत ही ज़्यादा हो गया अपना सेंसिटिविटी, तो रेड डॉट को 50 किया हूँ। अब गाइज मेरे अच्छे से वन टैप पड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पिछले से तो अच्छे ही पड़ रहे हैं, मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे वन टैप पड़ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर आपका मोबाइल लो डिवाइस है तो गाइज आपको 50 नहीं करना है, जितना मैंने किया उतना नहीं करना है, आपको यहाँ पर 70 करना है 80 करना है। अगर आपका गोली रिकॉइल खा रहा है तो गाइज बहुत ही अच्छे से हेडशॉट पड़ेंगे, वनटे पड़ेंगे, रेड नंबर भी पड़ेंगे, ठीक है। एंड गाइज अगर आपका मोबाइल अच्छा है हाई डिवाइस है तो गाइज आप लोग 50 से भी नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वनटे भी पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ गाइज यूएमपी से रेड नंबर भी पड़ेंगे। ये गाइज मैं लिख कर देता हूँ एंड ये रियलिटी भी है। तो गाइज ये अगर आपका लो डिवाइस है तो आपको थोड़ा हाई रखना है 70 के आसपास, अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो 40 रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो रेड डॉट को, एंड 50 तो मिनिमम रखना है, 50 से कम कितना भी रखो। आप लोग प्रैक्टिस करना एक बार, देखना कि मेरे वन टैप पड़ रहे हैं या फिर नहीं, उसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ट्रेनिंग में जाकर कि मेरे कैसे हेडशॉट पड़ रहे हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने अपना 50 सेंसिटिविटी करने के बाद मेरे बहुत ही अच्छे हेडशॉट मतलब रिकवर हुए हैं, एंड आप लोग देखो मेरा हर एक गोली हेड ही पड़ रहा है, अगर बंदे को एक हेड पड़ रहा है तो पहली गोली हेड पड़ रही है, आप लोग मेरा देख सकते हो पहली गोली हेड पड़ी, एनिमी खत्म हो गया। तो गाइज ये होता है बेनिफिट जब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को कम करते हो, देखो मतलब ओनली रेड नंबर ही पड़ रहे हैं। तो गाइज ये सेंसिटिविटी आप लोग को रखना है, मैंने आपको बता दिया 50 नहीं रखना है, लेकिन आपको अपने डिवाइस के हिसाब से रखना है, मैंने आपका आपको बता दिया है कि अगर हाई डिवाइस है तो गाइज आपको सेंसिटिविटी कम रखना है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी सेंसिटिविटी मिलता है डिवाइस में, एंड अगर आपका लो डिवाइस है तो गाइज आप लोग थोड़ा सा हाई रखना है सेंसिटिविटी, क्योंकि लो डिवाइस में थोड़ा सा मतलब सेंसिटिविटी लो होता है गाइज, आप सबको पता हो जैसा कि, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया समझ में आ गया होगा, आपको कितना सेंसिटिविटी रखना है क्या रखना है सब लोग मतलब। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको अगर M1887 का नेक्स्ट वीडियो में चाहिए कि भाई अपडेट के बाद M1887 सही नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।